मार्थाः अगनत्यतुलः ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु स्वरूप सा संगत सनम्रता दे सहित गुरु फतेह प्रवान करनी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सीमित समा है और सीमित समय दे विच चंद कु मिंट आप जी नूं गुरमुख विचारां दी विचार रखा। इस तो पहले बेहतर होएगा आप जी मन बिरतियां नूं एकागर करो ते जिहड़े वीर मातावां भैणां दूर दूर बैठे हो अगे आ जाओ, संगती रूप विच जुड़ के बैठो। विचारां दी सांझ वक्ते ते स्रोते दी सांझ ताई बनदी है जे तालमेल बैठ जाए, एकाग्रता दी विचार होए। तो अगे आ जाओ, जुड़ के बैठो, विचारां दी सांझ पाइए। एक बारी प्रेम नाल उच्चारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु। पावन गुरबाणी जीवन दी सफलता होनी चाहीदी है, इहदी प्रेरणा दिंदी है मनुख नूं। गुरदेव दी बाणी मनुख नूं जीवन दी सफलता दी प्रेरणा दिंदी है। और उस प्राणी नूं जिसने जीवन नूं सफल कीता है उसनूं तंता दे योग भी किया है। जैसे सुखमनी साहिब विच पातशाह स्पष्ट कर देन, तन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का एह सुआव जन के संग चित आवे नाव, आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। उत्तम कोटि दे प्राणी संत जन गुरमुख जना दे वास्ते गुरदेव ने ए बचन वरते। इसे तरह दा एक बचन होर, सफल 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 भई यात्रा आवण जाण रहे मिले सादा। आवना जावना मुक गया है, जीवन दी यात्रा सफल हो गई, प्रभु नल मिलाप हो गया है। इसे नल मिलदा जुलदा एक बचन सलोक दे रूप विच कबीर जी ने भी इस तरह कीता है। कबीर संत मुए क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए रोवो साकत बापरे जो हाटे हाट विकाए। जिसने जीवन नू अजाई रोलिया है, विषय विकारच खराब कीता है, रोना ते उदे वास्ते चाहिदा है। उस प्राणी वास्ते रोना नहीं चाहिदा जिसने सारा जीवन तप तपस्या पर उपकार सेवा सिमरन दे विच बतीत कीता है। मनुखी जीवन दी सोच इस रस्ते ते तुर सके तो गुरमुख जना दा जीवन एक उद्देश बन जांदा, उन्हां दा जीवन एक इंज के दईए मार्गदर्शक बन जांदा दूसरियां दे वास्ते। ऐसे मार्गदर्शक जो जीवन जिन्हां दा अपना जीवन इतना उत्तम बन हुंदा है ते दूसरियां वास्ते मार्गदर्शक जिन्हां दा जीवन बनदा है, गुरबाणी विच ऐसे महापुरखां नूं संत करके वडियाया गया है, संत करके सलाया गया है, संत करके दसिया गया है। संत इंज कह दईए एक आत्मक जीवन दी ऐसी महान पराकाष्ठा है, एक उत्तम जीवन दी ओ एक ऐसी अखीरली अवस्था है जिथे अंतर आत्मा दे विच ते प्रभु दे विच जीव आत्मा च कोई फर्क नहीं हुंदा, दुविधा नहीं हुंदी, द्वैत नहीं हुंदी, यानी एकाकार हो जांदा है, अंतर आत्मच प्रभु दा मेल हो जांदा है। तो अंतर आत्मा विच प्रभु दा मेल हो सके, गुरमुख जन संत जन ऐसा जीवन जी के सानू दसते हन वही जीवन जाच की है। जैसी सेवा पंथी महापुरखा ने जीवन जाच दे द्वारा सानू जीवन जाच प्रदान कीती है वही मनुखता दी सेवा किवें करनी है, सिमरन किवें करना है, सेवा किवें करनी, यानी गुरमत दे जिहड़े दो महान विचार हन सेवा ते सिमरन, ए आप ओ अमली जीवन च करके कमा के साडे वास्ते
नमूने वाला जीवन बना के दसते हन, नमूने वाला जीवन प्रदर्शित करते हन। अजकल का जिहड़ा समा चल रहा है, या इंज कह दईए जिहड़ा अजोका समय पदार्थवादी युग है, मनुख दे जीवन सत्संग दा संकल्प नहीं, सिमरन दा संकल्प नहीं, सेवा दा संकल्प नहीं, यही इंज कह दईए जीवन की असफलता का कारण है। एक पासे मनुख की एक ए भी सोच भई खावो पीवो ते आनंद करो मौज उड़ाओ, ए जीवन है जिसनू पंजाबी च असीं कहने आं ए जग मिठा अग्गा किने डिठा। लेकिन रब्बी आत्मावां वाले महापुरखां दी जीवन दी सोच ऐसी नहीं हुंदी। उन्हां दी जीवन दी सोच ऐसी हुंदी भई असीं दुनिया ते आए हाँ ते दुनिया ते साडा आना सफल हो सके, ए जीवन प्रभु नूं मिलन दा एक अवसर है, असीं प्रभु नूं मिल पईए, उह गुरबाणी दे आशे नूं सामने रख के जीवन बतीत करदे हन। जैसे गुरदेव स्पष्ट कर देन आसा राग विच, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। मैनू एक गाथा चेते आई जो धन गुरु नानक साहिब पातशाह ते मरदाना जी दे जीवन नाल संबंध रखती, मैं कह के कुछ विचारां नूं संखेपन की कोशिश करा। कहिंदे एक दिन धन गुरु नानक साहिब पातशाह ते भाई मरदाना ते भाई बाला जी शिखर दोपहर दे विच जंगल दे विच एक दरखत दे तले बैठे सन। ए वाकया जन्म साखी विच पढ़न नूं मिलिया है, ए गाथा जन्म साखी विच पढ़न नूं मिली। जन्म साखी विच लिखिया है वी धन गुरु नानक साहिब पातशाह ते भाई मरदाना ते भाई बाला जी एक दिन शिखर दोपहर दे विच दरखत दी छां दे तले बैठे ते प्यास भी लगी ते भुख भी लगी भाई मरदाना जी नूं। ते मरदाना जी गुरु नानक साहिब पातशाह नूं कहंदे ने वी बाबा सानू की लोड़ पई है जंगलां विच घुम्मण दी, असी क्यों एवें अपना वक्त खराब करने हां, जीवन दी शक्ति अजाई रोलने हां, कीर्तन ते करना करतार नूं सुनाण, जे कीर्तन करके अपनी आत्मा नूं परमात्मा नाल जोड़ना इह ते घर बह के भी कर सकते हां, जंगलां विच इस तरह सन भटकण दी की लोड़ है, भुखे हां प्यासे हां, घर होइए बच्चियां च होइए समय सिर भोजन छकीए समय सिर बच्चियां च आराम करिए, एवें असी दुख एवें चली जाने हां। सतगुर पातशाह मरदाने दे अंदर दी हालत नूं जान के कहण लगे कोई नहीं मरदानिया तैनू हुणे समझ आ जाएगी, परिवार विच रह के सच जाणो करतार दी बंदगी कोई पूरन पुरश ही कर सकदे न, आम बंदा नहीं कर सकता। गुरदेव दी बाणी स्पष्ट करदी है पुत्र कलत्र ग्रस्त के फासा हो ना पाइए राम के दासा, पुत्र कलत्र ग्रस्त के फासा हो ना पाइए राम के दासा। कई बारी मनुख बच्चियां एवें लाड़ नडांदा है मोहदा मारिया नितनेम नहीं करदा, सत्संग भी चल के नहीं आंदा, घर विच समा बंदगी दा बंदगी दे समय नूं एवें खराब करदा है, लंघ जांदा है वक्त उसनू पता ही नहीं लगदा। बड़ा मुश्किल है कोई रह के परिवार दे विच करतार नूं चेते करे। हां ओ कर सकदा है जिदे ते करतार दी पूरी रहमत होवे। तुम मरदाने दी ए गल मरदाने दी इस गल नूं समझ के गुरदेव कहण लगे मरदानिया कोई नहीं तैनूं समझ आ जाएगी। मरदाने नूं समझाण वास्ते सतगुरु पातशाह ने कहा मरदानिया अपने पैरां तले जमीन पुट। गुरदेव दा बचन मन के मरदाने ने जमीन पुटी, तलों एक लाल निकलिया, जमीन चो पत्थर निकलिया अमोलक पत्थर लाल। गुरदेव कहण लगे मरदानिया तू इसनू पहचानना है? कहण लगा मैं नहीं पहचानता। की है? गुरदेव कहण लगे तैनू भी नहीं पता ते मेरे दस्या तैनू विश्वास नहीं आना, जा इसनू किसे जौहरी को ले जा। मरदाना जगह जगह ते गया ते कहने जिसने भी देखिया
अमोलक उस रतन नू देख के पत्थर नू देख के कहंदा है भई ए ते अज तक देखिया नहीं सी, ए अजीबो गरीब कीमती पत्थर है ते देखन नू पहली बारी मिलिया, तू लियाया है पता नहीं कित्थों लियाया, ते उदा कोई मुल नहीं पांदा। कहंदे ए अमोलक है, इतना कीमती है, इदी असी कीमत तां नहीं दे सकदे। कहण तो भाव ए मरदाने नू गुरदेव ने कहा भई ए अमोलक पत्थर है, कीमती रतन है, इस नू वेच के आ, कोई नहीं खरीददा, सब कहंदे साडे कोल इतने पैसे नहीं इसकी कीमत दे सकिए। आखिरकार मरदाना जी बहुत कुंभ के, बहुत पटक पटक के लाहौर दे सालस राय जौहरी कोल पहुंचे। उसने भी ए महान जौहरी सी, बड़ा पारखू सी, जद इसने ए रतन देखिया ते इसने इस रतन दे अगों दी 100 मोरा रखिया, और 100 मोरा रख के कहंदन भई ए इस रतन दी दर्शन पेट है, इदा मुल नहीं। मरदाना जी कहंदन भई मेरे मुर्शद ने ए गल कही, ए रतन वेच के आना है, एवें नहीं ते तू मन मुफ्त च 100 मोरा देना, मैं लैंदा नहीं। कहण तो भाव ए उसने 100 मोरा जबरदस्ती मरदाने नू दितियां, ते नाल सालस राय जौहरी ते मरदाना जी चल के आए। गुरदेव नू पुछया मरदाने ते सालस राय जौहरी ने, भई मरदाना कहंदा सतगुर पातशाह तुसी क्या सी वेचना, ए लैंदा नहीं, मुफ्त विच 100 मोरा देंदा। ते सालस राय जौहरी ने कहा भई ए कीमती रतन दी दर्शन पेटा ही 100 मोरा है, मुल नहीं, 100 मोरा इदियां दर्शन पेटा है। गुरदेव मरदाने नू कहण लगे, मरदानिया ए तेरे समझाण वास्ते करतार ने कौतक वरताया, ठीक इसे तरह जैसे अमोलक रतन दी कीमत नहीं, दर्शन पेटा ही उसने इतनी दिती, करतार दी बंदगी करन वाले दे दर्शन भी इतने महान हन। ओ की जानन जेड़े बंदगी दे मार्ग ते नहीं तुरदे, बंदगी दी सार की है, नाम जपन दी सिफत सलाह की है। गुरदेव गुरु नानक साहब नू पुछिए सतगुरु पातशाह नाम जपन दी वड्याई कितनी, ते गुरदेव पातशाह कहंदे जिन्नी नाम त्याया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले, उना दे ते मुंह उजले हन, उना दे मुंह चिट्टे हन, उजले हन, प्रकाशमई हन, उना दे जीवन ते चानना है। ते गुरदेव नू पुछ लईए सतगुरु पातशाह जे नाम जपन वाले दे मुंह ते उजला है, प्रकाश है, ते बाकियां दे कोल की है, ते गुरदेव कहंदे दाग दोष मुंह चलिया लाए, कर्म मिले आखण तेरा नाव, सबा कालक दागा दाग, जिहड़े नहीं जपदे नाम उना दे ते चेहरे दागी हन, काले हन। तो मरदाने नू समझाण वास्ते सतगुरु पातशाह कहंदे ए जीवन अमोलक है, इस अमोलक जीवन दी सार कोई रब दा प्यारा ही समझदा है, और जिहड़े इस जीवन दी सार नू समझदे हन, जानदे हन, फिर ओ जीवन सफल भी करदे हन। जीवन किवें सफल होए इस दे वास्ते उना दे अंदर समझ भी पैदा हुंदी, सोच भी पैदा हुंदी। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहंदा होया अपने विचारां नू संखेप लवां। जिन्हां पूज आत्मावां दी याद विच असी बैठे हां, उन्होंने अपना जीवन सफल ही कीता है, उन्होंने अपना जीवन सफल करके सानू जीवन सफल करन दी प्रेरणा दिती है। तो सतगुरु पातशाह कृपा करन, उन्हां दे दसे हुए पाए हुए पूर्णिया ते दसे हुए रस्ते ते असी तुर के अपना जीवन सफल कर सकीए। भुल चुक दी मुआफी इत्थे दे सत्कारयोग प्रबंधक डेरे दे मुखी संत जी दा दास धनवादी ऋणी सब दा धन्यवाद। भुल चुक दी मुआफी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का